अस्सलाम वालेकुम जी एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज के ब्लॉग करते हैं शुरू। अभी मैं अपने ऑफिस में हूँ। आज जुमे का दिन है, तकरीबन एक घंटे बाद जुमे की नमाज है, उसके लिए भी हम जाएंगे। फिर पूरा दिन ऑफिस में गुजरेगा, फिर शाम को शायद जाऊँ मैं कटिंग के लिए। अच्छा जी, मैंने सोचा आपको दिखा दूँ कि हमारे ऑफिस में आज खाने में क्या है। अली भाई, खाने में क्या आज? बीफ पुलाव। अच्छा, बीफ पुलाव। ये बीफ आप कहाँ से लेते हैं? बिस्मिल्लाह वालों से। अच्छा, कितनी देर में बन जाता है पुलाव? मैक्सिमम इसे एक घंटा चाहिए। तो 25 मिनट लगते हैं उसको, गोश्त को बॉयल होने में। और मैक्सिमम बाद उसके बाद मैक्सिमम 20-25 मिनट का और प्रोसीजर है। यार लग रहा तो बड़े मज़े है, लेकिन अभी अभी पता है ब्रेक का टाइम नहीं है, तो इसको हम खाएंगे ब्रेक के टाइम। अच्छा, थैंक यू अली भाई, आपने आज इतनी इन्फॉर्मेशन दी, थैंक यू जी। अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। अब एक मज़े की चीज़ आपको दिखाता हूँ जो कि हमारे ऑफिस में है। आपको दिखाता हूँ वो क्या चीज़ है, फिर आपको पता चलेगा वो क्या। अच्छा जी, वो चीज़ है ये फर्स्ट एड किट। फर्स्ट एड किट बहुत सारे लोगों को पता होगा कि क्या है। अगर जिनको नहीं पता उनको मैं बता दूँ कि ये फर्स्ट एड किट होती है जो कि अगर किसी भी इमरजेंसी में अगर किसी को कोई लग जाती है या कुछ होता है तो फर्स्ट एड किट में वो चीज़ें ज़रूरत की मौजूद होती हैं, जो उसको ना मतलब कि उसकी ना जो फर्स्ट एड है ना, पहली जो उसकी ट्रीटमेंट है ना, फौरी ट्रीटमेंट, वो फर्स्ट एड किट में वो चीज़ें मौजूद होती हैं। ये तो बिल्कुल छोटी सी है, लेकिन फिर भी इसमें ऐसी चीज़ें हैं जो आपको ट्रीट कर सकती हैं। इससे बड़ी भी होती है, उसका साइज़ है दिस। ये बड़ी फर्स्ट एड किट, ये तो काफ़ी हैवी होती है, इसमें तो बहुत कुछ होता है, और ये छोटी, लेकिन दोनों अपना काम ठीक से करती हैं। अच्छा जी, इसके अंदर होता क्या है ये भी आपको दिखा देता हूँ। लें जी, इसके अंदर है जी एक बैंडेज, उसके बाद ये भी बैंडेज है और ये दूसरी बैंडेज है, ठीक है। एंड उसके बाद सीजर्स हैं हमारे पास, कॉटन बर्ड्स हैं, ये है, और ये टेप सी है या जो भी है, बट बेसिकली आपका एक काम कर देगी। नमाज पढ़ के हम वापस आ गए, अब खाने का टाइम। अच्छा जी, शुरू करते हैं। जुमे का टाइम हुआ था, जुमा पढ़ने में गया, सारे कुलीग साथ थे, वहां पे गए, जुमा पढ़ा, नमाज पढ़ी। ठंड काफी थी क्योंकि जनवरी का महीना है और क्लाउडी वेदर था, सुबह बारिश हुई और शदीद ठंड थी, शदीद। वहाँ पे जुमे की नमाज पढ़ के फिर हम वापस सीधा ऑफिस आए। ऑफिस आए तो हमारा खाने का जो ब्रेक होता है वो हुआ। खाना खाया, खाने में था पुलाव, पुलाव खाया, लेकिन पुलाव था बीफ पुलाव। मैं बीफ पुलाव बिल्कुल भी नहीं खाता, बेसिकली मैं बीफ और मटन नहीं खाता, मैं सिर्फ मीट में चिकन खाता हूँ। वो खाया, वो खाने के बाद फिर एज यूजुअल हमारी जो ब्रेक है वो हुई, पूल खेला, पूल खेलने के बाद फिर ऑफिस में काम किया। काम करने के बाद 3-4:30-4 के दरमियान ना चाय आ जाती है ऑफिस में, क्योंकि चाय तो मैं पीता नहीं हूँ, इसलिए मैंने अपनी जाके ग्रीन टी बनाई। फिर मैंने ग्रीन टी अपनी बनाई, ग्रीन टी को पिया मैंने। फिर ऑफिस में जिम लगाया मैंने, थोड़ा सा जिम, बेसिकली क्या लगाया, कार्डियो किया। फिर बाकी ऑफिस, फिर काम शाम करके काम शाम खत्म किया सारा ऑफिस का। अभी जा रहे हैं जी मैं अपने बार्बर के पास, कटिंग हल्की सी सेट करानी है, शेव करवानी है। बार्बर के पास जाने से पहले मैंने जाना है आज़ाद मेगा मार्ट, चले पहले चलते हैं आज़ाद मेगा मार्ट, वहाँ से कुछ लेना है, वो लेके फिर सीधा अपने बार्बर के पास। एंड ले जी, इसी के साथ हम आज़ाद मेगा मार्ट के सामने, और हम इंडिकेटर लगाएंगे। इंडिकेटर लगाना ज़रूरी होता है जब भी आप कहीं मुड़ने लगें। अच्छा जी, हम बाहर आ गए हैं, अब अपना सफर कंटिन्यू करते हैं टुवर्ड्स बाप। अच्छा जी, ये है KFC मीरपुर, आज़ाद कश्मीर का पहला KFC,
ये मेरे लेफ्ट पे, ये है टिमिज, वो सामने है ओपीटीपी, इन सब के ऊपर भी वीडियोस बनाऊंगा। लेकिन अभी हम चलते हैं पहले सीधा बार्बर के पास, क्योंकि देर हो रही है और वो बंद ना हो जाए। जिसका मुझे डर था वही हुआ। जहाँ पे मैंने जाना था बार्बर शॉप पे अपनी कटिंग शटिंग करवाने, जहाँ जाना था वो शॉप हो चुकी है बंद। तो चले फिर घर चलते हैं, अपने अंडे खाते हैं और थोड़ा रेस्ट करते हैं और फिर जिम जाते हैं। अच्छा जी, मैं घर गया, अपने सारे वो चीज़ें एक्टिविटीज पूरी की, एंड अभी मैं जा रहा हूँ सीधा जिम, एंड सीधा मिलते हैं जिम में आपको। आज मैं थोड़ा सा आपको अपना जिम दिखाऊंगा। मैं जिम के बाहर हूँ, चलें चलते हैं जिम। अब मेरा जिम है जी इस बिल्डिंग के नीचे, मिलते हैं अब जिम में। I'm changing who I am, I'm making a new plan, rearranging my life and I won't look back ever again. Yeah, you ain't see me activated. Done with my gym, ab ghar chalte hain. अच्छा जी, मैं गाड़ी में आ गया हूँ, अब जाऊंगा अपनी डाइट का जो हिस्सा है चिकन टिक्का वो लेने, उसके बाद सीधा घर। तो आज का व्लॉग यहीं पे खत्म करता हूँ, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट, ये तीनों चीजें प्लीज कर दें। अल्लाह हाफिज, टेक केयर एंड बाय बाय।